अगर आप में से अभी तक किसी का भी आधार कार्ड रह गया है और अगर आपको उनका नया आधार कार्ड बनवाना है तो मैं आपको बता दूं, अब आधार कार्ड नया अगर आपको बनवाना है तो बहुत ज्यादा अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 17 साल या 18 साल की हो चुकी है और अभी तक आपका जो आधार कार्ड है वो नहीं बना है तो अब आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और अब आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए हो सकता है कई चक्कर आपको लगाने पड़े। मैं आपको पूरी जो भी जानकारी है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं 18 साल के बाद जो नियम है यूआईडीआई ने वो बदल दिए हैं। अब आपको एडीएम एसडीएम और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, वो आपका जब अप्रूव कर देंगे उसके बाद आप 180 दिन के अंदर अंदर कभी भी अपना जो आधार कार्ड है वो आप बनवा सकते हैं। बाकी पूरी जो भी जानकारी है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है, यूआईडीआई ने इसको क्यों चेंज किया है, सब कुछ मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल ले लिया है, मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए प्रभात कवर एक ये न्यूज है, इसका जो आर्टिकल है उसमें यहाँ पे छपा हुआ है, मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यूआईडीआई एडीएम एसडीएम की वेरिफिकेशन के बाद ही बनेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट के पैटर्न पर होगा सत्यापन। मैंने आपको पहले ही बताया एडीएम और एसडीएम के वेरिफिकेशन के बाद ही अब आपका आधार कार्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सर्विस प्लस पोर्टल की नई सुविधा विकसित की है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु के 16.55 करोड़ लोगों का आधार कार्ड नामांकन किया जा चुका है। 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग में प्रत्येक महीने लगभग 13,246 लोगों का आधार नामांकन किया जा रहा है। देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिये लखनऊ, आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, आपका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है। अब सत्यापन के बाद ही 18 साल से अधिक आयु के निवासियों का आधार बनेगा। अब राज्य सरकार की अनुमति के बाद वयस्क लोगों के आधार कार्ड बनने के लिए जिला स्तर और सब डिवीजन स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया गया है। जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी एडीएम को और सब डिवीजन स्तर पर एसडीएम को नामित किया गया है। एडीएम और एसडीएम द्वारा सत्यापन के बाद ही 18 साल से अधिक आयु के लोगों का आधार कार्ड बन सकेगा। अब पासपोर्ट की तरह सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए आधार नामांकन की सुविधा कुछ चुने हुए आधार केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो यहाँ पे अब आपका जो आधार कार्ड है वो आपको एसडीएम और डीएम जो भी है इनके उनसे अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, जिससे मुख्य रूप से प्रत्येक जिले का मुख्य डाकघर, उप डाकघर और प्राधिकरण द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र शामिल है। यूपी में इनकी संख्या 1136 है। इन केंद्रों पर आधार नामांकन के बाद सूचना प्राधिकरण को भेज दी जाएगी, जहां डेटा क्वालिटी जांच के बाद इस आवेदन को सर्विस प्लस पोर्टल पर सत्यापन के लिए भेज दिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया है अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो अब आधार कार्ड बनना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट ये पूछेगी आपने 18 साल तक अपना जो आधार कार्ड है क्यों नहीं बनाया है, और अगर आप बनवा रहे हैं तो आपको पूरी जो भी जांच प्रक्रिया है वो यहाँ पे जो नोडल अधिकारी हैं वो आपकी करने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सत्यापन के बाद 180 दिन के अंदर बन जाएगा आधार कार्ड। जैसे ही आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके आप 180 दिन के अंदर अंदर अपना जो आधार कार्ड है वो बनवा सकते हैं। उसके लिए भी जो सिलेक्टेड आपको आधार केंद्र दिए जाएंगे वहीं पर ही आप उसको बनवा सकते हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10,408 मशीनों पर आधार नामांकन की यहाँ पे सुविधा है। तो ये यहाँ पे न्यूज थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो अब आपको आधार कार्ड बनवाने में बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी वेरिफिकेशन होगी, जांच होगी, उसके बाद ही आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो अब यहाँ पे बन पाएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।